Tell him, tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect. क्या मैं सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? उस गुनाह की सजा देर तो हो सकती है लेकिन सजा न मिले ये मुमकिन इसलिए नहीं है। वादे पहली बार में 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा? योगी जी आखिर सदन में क्यों रो रहे हैं? योगी जी को किस चीज का डर है ये जानना है तो चलना होगा 2007 में जब प्रदेश में सपा सरकार थी और उसके कद्दावर नेता थे आजम खां। योगी जी सदन में बता रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक उत्पीड़न उनका हो रहा है। उनका हमला वक्त की सपा सरकार पर था कि किस तरीके से सपा सरकार में उनको खतरा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको जेल भेजने की तैयारी हो रही है। और उस समय गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बता रहे हैं तो कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी देते हुए कहा कि उस समय योगी आदित्यनाथ को परेशान करने के पीछे जिस शख्स का नाम था वो थे आजम खां। कांग्रेस टिप्पणी कर रही है कि आजम खां का हाथ था योगी जी को परेशान करने में और जब अब योगी जी प्रदेश के मुखिया बन गए हैं तो योगी जी इसका बदला ले रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। आइए सुन लेते हैं कांग्रेस के नेता इस विषय में क्या कह रहे हैं। कहा है कि जब मुख्यमंत्री जी देश की लोकसभा में रोए थे उस आंसू के पीछे आजम खां जी की बड़ी भूमिका रही, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने शायद वो बदला लिया है। तो ये सरकारें एक दूसरे को बदला लेकर उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का ध्यान भटकाना चाहती हैं। बेहतर हो कि ध्यान भटकाने के बजाय उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान दिया जाए। पूरा प्रदेश जानता है जब व्यक्ति सत्ता में होता है तो बहुत सारे फैसले कोर्ट से नहीं हो पाते हैं। सरकारें नियम कानून को ताक पर रखकर, कोर्ट के फैसलों को ताक पर रखकर अधिकारी जो रिपोर्ट भेजते हैं कोर्ट उसी के अनुसार कार्रवाई करती है। सरकार में यही वजह होती है बहुत सारे अपराधी सरकार का संरक्षण लेते हैं। सरकार सक्षम है बदला लेने के लिए कि सरकार ने बदला लिया है और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के ध्यान भटकाने के लिए। अखिलेश यादव का भी यही कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है, हालांकि बीजेपी इसे नकार रही है। फिलहाल आजम खां और उनकी फैमिली का जेल में आना जाना लगा हुआ है। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद।